नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग को क्रोशेट श्रोता चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यह स्ट्रॉबेरी डिजाइन वाला स्क्वायर डिजाइन लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इससे बच्चों के लिए बेबी ब्लैंकेट या पिलो कवर कुछ भी बनाइएगा, कुशन कवर, बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि पता चले हम अच्छा काम कर रहे हैं नहीं। चलिए तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स एक मैजिक रिंग बना देंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से 2-3 चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। 2-3-4-5-6। इसी तरह से फ्रेंड इसमें 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 16 डबल क्रोशिया हो गया है और इस मैजिक रिंग को खींच देंगे हल्के हाथों से और उसके बाद ये थर्ड वाला चेन में इसको डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद 2-3 चेन लेंगे, यह 1 डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। 2 चेन और लेंगे गैप के लिए और सेम इसी में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन को छोड़ेंगे, दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे और सेम इसी चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन को छोड़ेंगे और दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन लेंगे और सेम चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन को छोड़ेंगे, दूसरे वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन का गैप देंगे और सेम में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन छोड़ करके 2 चेन लेंगे, इसी तरह से फ्रेंड्स इसको रिपीट करेंगे। कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट करके इसको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 1-2-3 थर्ड वाला चेन में डाल करके इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से 1 चेन लेकर के और इसको कट कर देंगे। इसके बाद दूसरा कलर लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसको इस तरह से फंदा लेंगे और ये 2 चेन के जो गैप दिए थे इसी में डाल करके इसको डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 हो गया, 3 हो गया,
फोर हो गया। पोर्टेबल कुर्सी थ्री चेन लेंगे, फिर जो दो चेन का जो गैप दिए थे इसी में डाल करके फोर डबल कुर्सियाँ बना लेंगे। टू थ्री फोर, फिर से थ्री चेन का गैप देंगे और इसमें डबल कुर्सी से बना लेंगे फोर डबल कुर्सी। इसी तरह से पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया और इसको पहला वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइंट कर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर भी थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री चेन लेंगे। थ्री चेन लेने के बाद पहला वाला चेन से डाल करके इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे, वन चेन ले करके इसको कट कर देंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे, इसी में इसको लॉक कर देंगे। इसको नेक्स्ट चेन से इस तरह से निकालेंगे, टू थ्री या फोर लूप हो गया, ऐसा आपको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। वन चेन लेंगे और इसमें सिंगल कुर्सी बना देंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन चेन लेंगे और फोर के ऊपर फोर लूप इस तरह से निकालेंगे, वन टू थ्री अरे फोर से निकल, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से पैटर्न जाएगा फ्रेंड्स। फिर वन चेन यहाँ पर लेंगे और यहाँ से वन लूप निकालेंगे इस तरह से, वन टू थ्री अरे फोर, सबको एक साथ निकाल देंगे। वन चेन लेकर के इसमें सिंगल कुर्सी बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन चेन लेंगे फिर यहाँ पर भी उसी तरह से लूप को निकालेंगे, वन टू वन टू थ्री फोर, चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया से इसको बनाएंगे, सिक्स सिंगल क्रोशिया आप लेंगे, थ्री फोर फाइव या सिक्स, इसी तरह से ये पूरे रो को रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट हो गया और इसको यहाँ से
स्लिप स्टिच से स्टच कर देंगे, वन चेन लेकर के और इसको कट कर देंगे। इस तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे, नॉट लगा करके यहाँ से फ्रेंड्स यह दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया इसको मानेंगे और एक सिंगल क्रोशिया इसको मानेंगे। ये दो सिंगल क्रोशिया हो गए और इसमें भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लंबा लंबा लूप लेकर के। यह टू हो गया, थ्री हो गया, फोर, फाइव हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर लास्ट में सिक्स वाला जो सिंगल क्रोशिया, सिक्स वाला जो है इसको हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, वन टू डबल क्रोशिया, वन चेन लेंगे और यहाँ पर टू डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद इस तरह से इसमें डालेंगे हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर फाइव सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। यहाँ पर जो गैप है फ्रेंड्स इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, वन, यहाँ पर चैन नहीं लेंगे या टू सिंगल क्रोशिया। फिर इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी ये सिक्स में है। यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक कॉर्नर यहाँ पर बना फ्रेंड्स और एक कॉर्नर यहाँ पर बनेगा। तो जहाँ पर कॉर्नर बनेगा वहाँ पर लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर टू डबल क्रोशिया बना देंगे। इस गैप में वन चेन लेंगे और यहाँ पर भी टू डबल क्रोशिया और यहाँ का भी शुरुआत में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद इसमें फाइव सिंगल क्रोशिया बना देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और एक एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना देंगे, वन और एक यहाँ पर बना देंगे। टू सिंगल क्रोशिया और फिर इसमें उसी तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी फ्रेंड्स यहाँ सिक्स में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया वाला बनेगा। इस तरह से यह थर्ड कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे और इसमें भी डबल क्रोशिया बना देंगे।
क्रिसमस फर्स्ट वाला में हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फाइव सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, सिंगल क्रोशिया बना देंगे वन आईरेक इस साइड में, फिर यहाँ पर फाइव सिंगल क्रोशिया इस तरह से, टू थ्री फोर फाइव, आइए लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे, वन टू डबल क्रोशिया, वन चेन, और यह टू डबल क्रोशिया, इसके बाद यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, टू थ्री फोर फाइव, और इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट, वन टू थ्री फोर फाइव, सब फ्रेंड्स यहाँ पर भी सिक्स होगा, और इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, यह इस तरह से फोर कॉर्नर बन गया फ्रेंड्स, यह टू और ये टू, थ्री चेन लेंगे वन टू थ्री चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, जितना चेन है फ्रेंड्स सारे में डबल क्रोशिया कॉर्नर पर आके दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स यह कॉर्नर पर आ गए और इसमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, और फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए यह राउंड को कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से स्क्वायर डिज़ाइन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, अगर यह स्ट्रॉबेरी वाला स्क्वायर डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा डिज़ाइन आपको कैसा लगा, थैंक यू।